हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई मोटिवेशनल वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। जब कभी हमारी जिंदगी में समस्याएं या मुश्किलें आती हैं, तो हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यही सोच धीरे धीरे हमारे अंदर घोर निराशा पैदा करके हमारी जिंदगी को एक बोझ बना सकती है। ऐसे में जरूरत है हम खुद पर भरोसा रखें और अपनी पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला करें, और ऐसा तब तक करते रहें जब तक हम उन पर विजय हासिल न कर लें। आप सोचेंगे कि यह असंभव है, लेकिन विश्वास मानिए, जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम निक व्यूजिसिक था। निक व्यूजिसिक अन्य बच्चों की तरह स्वस्थ थे, लेकिन उनमें एक कमी थी। वे फोकोमेलिया नाम के एक दुर्लभ विकार के साथ पैदा हुए थे, जिसके कारण उनके दोनों हाथ और पैर नहीं थे। डॉक्टर हैरान थे कि निक व्यूजिसिक के हाथ पैर क्यों नहीं है। निक व्यूजिसिक के माता पिता को यह चिंता सताने लगी थी कि निक व्यूजिसिक का जीवन कैसा होगा, एक बिना हाथ पैर वाले बच्चे का भविष्य कैसा होगा। बचपन के शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। निक व्यूजिसिक के जीवन में कई तरह की मुश्किलें आने लगी। उन्हें न केवल अपने स्कूल में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बल्कि उनकी विकलांगता और अकेलेपन से वे निराशा के अंधकार में डूब चुके थे। वे हमेशा यही सोचते थे और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते थे कि काश उनको हाथ पांव मिल जाएं। वे अपनी विकलांगता से इतने निराश थे कि 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन फिर उनकी माँ के द्वारा दिए गए एक लेख को पढ़कर उनका जीवन के प्रति नजरिया पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। यह लेख एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, जो एक विकलांग व्यक्ति की अपनी विकलांगता से जंग और उस पर विजय की कहानी थी। उस दिन उन्हें यह समझ में आ गया कि वे अकेले व्यक्ति नहीं है जो संघर्ष कर रहे हैं। निक धीरे धीरे यह समझ चुके थे कि वे चाहे तो अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जी सकते हैं। निक ने धीरे धीरे पैर की जगह पर निकली हुई उंगलियों और कुछ उपकरणों की मदद से लिखना और कंप्यूटर पर टाइप करना सीख लिया। 17 वर्ष की उम्र में अपने प्रार्थना समूह में व्याख्यान देना शुरू कर दिया। 21 वर्ष की उम्र में निक ने अकाउंटिंग और फाइनेंस में ग्रेजुएशन कर लिया और एक प्रेरक वक्ता के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एटीट्यूड इज एटीट्यूड नाम से अपनी कंपनी बनाई और धीरे धीरे निक व्यूजिसिक को दुनिया में एक ऐसे प्रेरक वक्ता के रूप में पहचाना जाने लगा जिनका खुद का जीवन अपने आप में एक चमत्कार है, जिन्होंने प्रेरणा और सकारात्मकता का संदेश देने के लिए लाइफ विदाउट लिम्स नाम से गैर लाभकारी संगठन भी बनाया है। 37 वर्षीय निक व्यूजिसिक आज ना सिर्फ एक सफल प्रेरक वक्ता है, बल्कि वे वह सब करते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। जन्म से ही हाथ पैर ना होने के बावजूद वे गोल्फ व फुटबॉल खेलते हैं, तैरते हैं, स्काई डाइविंग और सर्फिंग भी करते हैं। यह अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रभावित करने वाली बात है उनकी जीवन के प्रति खुशी और शांति की सम्मोहक भावना। आज वे दुनिया को जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं। निक ने भौतिक सीमाओं में जकड़े रहने के बजाय अपने जीवन को नियंत्रण करने की शक्ति पाली, और आशा के इसी संदेश के साथ 44 से अधिक देशों की यात्रा की है। जहां हम छोटी छोटी बातों से परेशान और हताश हो जाते हैं, वहीं निक व्यूजिसिक जैसे लोग हर पल यह साबित करते रहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं, प्रयास करने पर सब कुछ आसान हो जाता है।